हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बीसीसी के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं, इस पर आप बात करेंगे, और किस कोर्स में टोटल पूरे बिहार में कितना सीट है इस पर बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन, वहां से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें 2022 का बीसीसी का, बात कर लें 2022 का, तो देखिए 2022 में जो बीसीसी का सीट आया, मेडिकल संबंधित हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं मेडिकल में बीसीसी के अंतर्गत, क्योंकि हम इसमें तो बीसीसी में एग्रीकल्चर भी आता है, कृषि विभाग भी बीसीसी में आते हैं जो कृषि विभाग में जाना चाहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ किनका, मेडिकल वाले स्टूडेंट के जो बीसीसी से मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हम बीसीसी के थ्रू मेडिकल में एडमिशन लें, मेडिकल के फील्ड में जाए, मेडिकल क्षेत्र में जाए, तो हमारे लिए बढ़िया होगा। तो आपके लिए जो कोर्स दिया गया है बीसीसी में, वो दिया गया है फिजियोथेरेपी का, फिर दिया गया ऑक्यूपेशनल थेरेपी बीएमएलटी बीओटी यानी बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीआरआईटी बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी बीओ, और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और बीएससी नर्सिंग। लेकिन आजकल जो स्टूडेंट का डिमांड आया है सबसे ज्यादा, वो आया है बीएससी नर्सिंग का, और आया है बीएमएलटी का और फिजियोथेरेपी का। इस बार जो बच्चे का डिमांड है सबसे ज्यादा कि सर मुझे जो एडमिशन हो चुका है, हमारा जो चॉइस है बच्चों का आजकल के चल रहा है कि वो यही तीन कोर्स पर ज्यादा चल रहा है। ये तीन कोर्स ऐसा कोर्स है जो आपको कभी बेरोजगार होने नहीं देता है, कभी भी नौकरी लगे या ना लगे कभी बेरोजगार नहीं होने देता है। अगर हम बात कर ले फिजियोथेरेपी का, तो पूरे बिहार में बीसीसी के अंतर्गत हम बात करेंगे, बीसीसी के अंतर्गत अगर आपको फिजियोथेरेपी में एडमिशन मिलता है, तो फिजियोथेरेपी का टोटल अगर सीट की बात करें तो टोटल सीट की संख्या 20 है। अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी अगर सीट की संख्या की बात करें तो टोटल 20 सीट है। लेकिन यही बात कर ले हम लोग बीएमएलटी का, और किसका बात करें, बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन इसको कहते हैं, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये तीन जो कोर्स दिया गया है, इस तीनों कोर्स में बीएमएलटी में 20 सीट है, बीओटू में 20 सीट है, बीआरआईटी में 20 सीट है। यानी कह सकते हैं पूरे बिहार में बीएमएलटी का 20 सीट दिया है, बीओटी का 20 सीट दिया है, बीआरआईटी का 20 सीट दिया है, यानी बीसीसी के अंतर्गत 2020 में इतना सीट दिया गया है। अगर यही बात करें बीओ का कि बैचलर ऑप्टोमेट्री का, तो इसमें भी 20 सीट है। लेकिन यही बात करें हम बीएससी नर्सिंग का, पूरे बिहार में बीएससी नर्सिंग का टोटल 300 सीट दिया गया है। पूरे बिहार में बीएससी नर्सिंग का टोटल 300 सीट दिया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत 5 कॉलेज आते हैं। एक आता है एक आता है एएनएमसीएच गया, फिर एनएमसीएच पटना, वीआईएमएस यानी वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी, फिर आता है दरभंगा, और एक आता है आपका भागलपुर। ये 5 कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, सीट है, वो भी बीसीसी के तरफ से दिया गया है कि जो बीसीसी का फॉर्म भरेगा उसको यहाँ पे एडमिशन होगा। तो टोटल बीसीसी में 300 सीट दिया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं 300 सीट में, तो बीसीसी टोटल एग्जाम होता है कितने नंबर का बाबू, 1200 नंबर का, ठीक है। 1200 नंबर में अगर आप 500 प्लस लाते हैं तो संभावना हो जाती है, यानी 600 के आसपास लाना आपको जरूरी है, 50% संभावना होगा, मिलेगा, अन्यथा आशा कम रखी है। इसमें कैटेगरी के आधार पर भी होगा। कभी कभी बच्चों का कुछ क्वेश्चन था कि सर हम 12th जो पास किए हैं वो पीसीएम से किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो जी बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर पीसीएम भी से हम फॉर्म भरे, एक्स्ट्रा मैथ है, बायोलॉजी भी है, तो कोई बात नहीं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप पीसीबी से भी भर सकते हैं फॉर्म, पीसीएम से भर सकते हैं, पीसीएमबी से भी भर सकते हैं। किसी बच्चों का डिमांड था कि सर हम खाली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं।
वहां पे एग्जाम होगा तीन सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी लिए हैं, उनका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी दोनों का आएगा, लेकिन एग्जाम तो आपको तीन सब्जेक्ट का देना है। कैसे देना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो अनिवार्य है, चाहे बायोलॉजी से रहिए चाहे मैथ से रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री देना अनिवार्य है, ठीक है। अगर यही बात कर ले हम बी फार्मा का, बी फार्मेसी, सुन लो, ये मेडिकल से संबंधित क्षेत्र हो गया बायोलॉजी वालों को। अगर हम बी फार्मेसी की बात करें, आठवां नंबर कोर्स, इसमें आपको पूरे बिहार की अगर बात करें तो पूरे बिहार में बी फार्मेसी में टोटल 100 सीट है, ठीक है। बी फार्मेसी में टोटल 100 सीट है, और इस 100 बी फार्मेसी किसको उसको मिलेगा जिसका मैथ भी है बायोलॉजी दोनों के लिए ही सीट है, ठीक है। तो आइए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बनाना तो अनिवार्य होगा जिनका पीसीएमबी से फॉर्म भरेगा, लेकिन मैथ और बायोलॉजी में आपका कोई एक सब्जेक्ट ही बनाना रहेगा, दोनों नहीं। अगर आपको मैथ अच्छा है तो मैथ बनाइए, बायोलॉजी अच्छा है तो बायोलॉजी बनाइए, यानी आपको तीन सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना है, यानी टोटल 300 क्वेश्चन आपको बनाना है, और एक क्वेश्चन जो रहता है वो 4 नंबर का रहता है, गलती वाला पर कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रहता है, ध्यान से समझो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल जो एग्जाम बीसीसी होने वाला है वो 1200 नंबर का। फिजिक्स रहेगा 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी 100 क्वेश्चन, मैथ 100 क्वेश्चन, लेकिन जिनका पीसीबी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बनाएंगे, जिसका मैथ है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बनाएंगे, और जिसका पीसीएमबी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बनाएंगे, लेकिन मैथ और बायोलॉजी में कोई एक सब्जेक्ट बना के आना है, ठीक है। दोनों बनाते तो कोई बात नहीं है। अगर किसी को दिमाग में और आगे, सर हम बीसीसी में गए और मैथ भी बना दिए और बायोलॉजी भी बना दिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बना दिए, कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जांचा जाएगा, लेकिन मैथ और बायोलॉजी में कोई एक ही सब्जेक्ट को जांचा जाएगा। समझ रहे ना बात, बस इतना ही था। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।